वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल इजी नहीं है तो देखिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास यह है 3 cot A = 4। इट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं cot A = 2। अब ये हमारे पास इक्वल 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है यहां पर, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो cot का रेशो हमारे पास आ गया 3/4। और cot का रेशो कितना होता है, आई होप आप जान चुके हैं, तो ये हमारे पास होता है V/P। इट मीन्स वी हैव B = 4 और 3 किसके बराबर है, सॉरी P किसके बराबर है, 3 के। तो ये हमारे पास आ गया बी पी, और हमारे पास नहीं है यहां पर एच, हाइपोटेन्यूज नहीं है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का प्रयोग करना पड़ेगा, और पाइथागोरस के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए हमने ड्रॉ कर लिया राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हम निकालेंगे ए कोट ए, देन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां हो गया बी और यहां हो गया सी। तो हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां पर दे रखा है बी, मतलब आपको पता है इस एंगल के साथ लगने वाली भुजा बी होती है, यानी कि बेस, और ये हमारे पास है 4, और इसके फ्रंट वाली, इस एंगल के फ्रंट वाली जो साइड होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, और यहां पर दे रखा है 3, और 90 डिग्री के फ्रंट वाली जो साइड होती है आपको इतना पता चल चुका है, ये हमारे पास होता है एच, और एच हमने फाइंड करना है। तो एच निकालेंगे हम पाइथागोरस का प्रयोग करके। तो पाइथागोरस क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर जो है ना दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि आप जानते हैं ये कहां यूज होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इट मींस स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए एच हमारे पास नहीं है, एच हमने निकालना है, एच स्क्वायर, बी हमारे पास है 4, स्क्वायर ऑफ 4 प्लस पी, पी 3 है, 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए एच का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एच इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 एंड 3 स्क्वायर ऑफ 3 9, तो हम इनको प्लस कर देंगे, हमारे पास आ गया एच स्क्वायर इक्वल टू, इनको प्लस करने पर कितना आया 25। अब ये जो स्क्वायर है 25, हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है, तो क्या होगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बीच में बुलाई जाए एच, यू हैव 5, एच की वैल्यू 5 आ गई है हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan, sin और cos, इन तीनों का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, हमें पता है sin a, sin का हमारे पास रेशियो होता है P/H, तो P कितना हमारे पास 3, और 3 हो गया हमारे पास, और H कितना है, H हमारे पास आया 5, तो ये आ गया है sin का रेशियो। उसके बाद रेशो कोस, तो कोस का रेशो हमारे पास कितना होता है, सोची यस, ये हमारे पास होता है स्ट्रेंस B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज कितना आया 5। और उसके बाद हम निकालेंगे लास्ट में tan, तो देखिए tan, tan हमारे पास कितना होता है tan A, तो tan हमारे पास हो जाएगा ये P/B, तो P कितना हमारे पास 3 और B कितना है 4, तो ये हमारे पास आगे है पूरे का पूरा रेशो जो हमने यूज करना है साइन कोस और टेन, हमारे पास रेशो सारे आ गए हैं। तो क्या करेंगे हम, अब ये प्रूव करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 - tan² A / 1 + tan² A,
अब बात की जाए इस साइड की तो 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस 10, 10 का रेशियो है 3.4, देन वी कैन राइट है 3.4 और हियर इसका होल स्क्वायर, नीचे इसके कुछ भी नहीं 1, आफ्टर दैट 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 10, तो 10 का रेशियो 3.4 और इसका हो गया स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर कितना है 1/1 माइनस 3 स्क्वायर कितना 9 और 4 स्क्वायर 16। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर इन द डिनोमिनेटर 1/1 देन प्लस स्क्वायर ऑफ 3 हमारे पास 9 और स्क्वायर ऑफ 4 16 ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे यहां पर लेंगे एलसीएम, तो यहां है 16। अब एलसीएम के बारे में आपको पता है कि हम कैसे करते हैं, यहां पर 16 आया है क्योंकि नीचे 1 और 16 है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तब भी आ जाएगा, या फिर देखिए इससे इसको करेंगे डिवाइड। देखिए सिंपल हम लिख सकते हैं 1/1 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो 1 से इसको सीधे मल्टीप्लाई जाएगा यहां पर आएगा 16, उसके बाद है माइनस, तो यहां लग गया माइनस 9/16 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 16 कैसे हो लेफ्ट 9, यहां पर आएगा 9। और सिमिलरली हम यहां पर भी वही करेंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या है एलसीएम कितना आएगा 16 और सेम यहां सिर्फ साइन चेंज होगा, यहां माइनस है यहां प्लस, मतलब 16 प्लस 9 बट वही रहेगा। अगर आप देखें तो इसका सलूशन कितना आ गया, यहां से इसको माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 7/16 और यहां पर कितना आ गया ये भी हमारे पास 25/16। अब क्या करेंगे हम यहां देखा 7/16, अब उसके बाद ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा मतलब 16 और इधर कितना है 25, तो ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास कितना बच गया 7/25, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या सेम आती है, अगर आती है तो यस नहीं तो नो। अब देखिए नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा हमारे पास, देखिए हमारे पास है ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, अब cos करना है तो cos का रेशियो कितना है 4/5 मतलब 4/5 होल स्क्वायर माइनस sin का रेशियो है 3/5 ये होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 देन माइनस स्क्वायर ऑफ 3 9 स्क्वायर ऑफ 5 25। अब क्या करेंगे इनका बी कैन टेक द एलसीएम, डिनोमिनेटर में सेम है हमारे पास आगे 25 देन डिनोमिनेटर सेम इट मींस न्यूमरेटर की और वैल्यू सेम, देन 16 में से 9 करेंगे 7/25, तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आई है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों आपस में क्या है बराबर, तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यस। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है, आई होप आपकी समझ में आया होगा, वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तब तक हैव अ नाइस टाइम।